तो गाइस प्रोस्पेक्टस में डिप्लोमा इंजीनियर के लिए जो आपका रैंक या फिर मैरिज रिजल्ट जो आएगा 1/8/2023 5 PM को आएगा, यानी 1 अगस्त को। और आज 1 अगस्त है, तो आपको किस प्रकार से चेक करना है अपना मैरिज रिजल्ट या फिर आपका रैंक कितना आया है आपका 10th बेस के मार्क्स के हिसाब से। तो नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्ण हरे राम। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को देखते होंगे। मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ कि आप अपना रैंक कैसे चेक करोगे अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर लैपटॉप से। तो गाइस सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास लैपटॉप है या अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है इस प्रकार से, और गूगल सर्च बार में आपको एंटर करना है टेक एडमिशन HRY.gov.in, आपको ये लिखना है, या फिर टेक एडमिशन लिख के HRY लिख के आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट मिलेगी टेक एडमिशन HRY.gov.in, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको देखिए नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड और डाउनलोड रैंक कार्ड, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अभी यहाँ पर लेटर एंट्री दिखा रहा है, क्योंकि आज जो तारीख है वो 31 जुलाई है और कल 1 अगस्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डिप्लोमा इंजीनियर, जो कि 10th बेस पे जिन स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, अभी यहाँ पर लेटर एंट्री वाला आ रहा है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करना है इस प्रकार से जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ। उसके बाद फिर अपना रोल नंबर डालना है, जो भी आपका रोल नंबर है। उसके बाद अभी मैं आपको डिप्लोमा लेटर एंट्री वाला दिखा रहा हूँ, और जैसे ही वो नाम यहाँ पर आ जाएगा डिप्लोमा इंजीनियर वाला, तो आपको यहाँ पर वो भरना है, ठीक है। तो सेम ही ऐसे आपको भरना है। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट करनी है, तो बड़े आराम से आप सिलेक्ट कर सकते हो इस प्रकार जैसे मैं कर रहा हूँ। डेट क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ, और आपका यहाँ पर मंथ क्या है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप आसान तरीका है, और आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो ये कैप्चा दिया गया है, चाहे वो स्मॉल है तो स्मॉल लिखिए ये वाला कैप्चा, अगर वो काउंटिंग में है तो उसे आप काउंटिंग में ऐड करना, और अगर वो कैपिटल में है तो उसे आप कैपिटल में ही ऐड करना। उसके बाद यहाँ पर आएगा व्यू रैंक कार्ड, आपको सिंपली ये सारा इन्फॉर्मेशन भरकर आपको व्यू रैंक कार्ड पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर वो रैंक आ चुका है जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपका रैंक आएगा, जो भी आपका रैंक आएगा, और आप इस प्रकार से अपना रैंक चेक करोगे। मैंने आपको यहाँ पर लैटरल एंट्री वाला दिखाया है, और आपको डिप्लोमा इंजीनियर वाला चेक करना है, क्योंकि आपका 1 अगस्त 2023 को आपका रैंक कार्ड इवनिंग टाइम में 5 PM को आ जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा इन्फॉर्मेशन कि आप अपना रैंक कार्ड कैसे चेक करोगे, और उसके बाद जैसे ही रैंक कार्ड आ जाएगा तो 2 अगस्त को आपका फर्स्ट काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो आप अच्छे से करना, उस पर दोस्तों मैंने वीडियो डाल दी है कि आपको काउंसलिंग ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करना है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में भी आपको वीडियो एंड स्क्रीन मिल जाएगी, तो उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय श्री राम।